सो हेलो पोके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हाँ आप सब तो यार लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में वाकिफ़ होंगे ही, क्योंकि यार आपको हर रीजन में कोई एक ना एक लेजेंडरी पोकेमोन मिल ही जाएगा और कोई एक लेजेंडरी पोकेमोन हमेशा अपने रीजन पर दबदबा बनाकर रखता है। तो गाइस आज हम इसी टॉपिक के बारे में करने वाले हैं चर्चा, स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन फ्रॉम ईच रीजन, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर लेजेंडरी पोकेमोन हर रीजन में से। तो गाइस आज हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए आए हैं पोकेलेजेंड जी, तो दोस्तों मैं आपको उनसे भी मिलवा देता हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बड़ा नमस्कार। तो यार आवाज़ सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा कि यार मैं पोकेमोन रिवाइव भाई नहीं हूँ। तो यार मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है पोकेलेजेंड जी, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल, क्योंकि यार मैं भी पोकेमोन कंटेंट डालता रहता हूँ, पोकेमोन थ्योरी, टॉप 5 वीडियोस और भी बहुत सारा पोकेमोन कंटेंट वीडियो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पोकेमोन रिवाइव जो कांटो रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन है वो है ऑफ कोर्स म्यूटू। सो गाइस यहाँ पर यार म्यूटू की जगह कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि यार म्यूटू इतना पावरफुल पोकेमोन है कि मैं क्या बताऊँगा, मैं उसकी जितनी तारीफ करूँ गाइस उतनी कम है। तो गाइस म्यूटू एक साइकिक टाइप का पोकेमोन है, और यार ये दो फॉर्म में मेगा इवॉल्व हो सकता है, एक है मेगा म्यूटू एक्स और दूसरा है मेगा म्यूटू वाई। तो गाइस आप इसके बेस स्टेट देख सकते हैं 680 के हैं, और जब ये मेगा इवॉल्व होता है तो इसके बेस स्टेट्स और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो गाइस ये पोकेमोन बना था म्यू के डीएनए से, और इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है जो कि पोकेमोन की फर्स्ट मूवी थी। तो गाइस ये पोकेमोन को बनाने का मकसद यही था कि यार ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन कहला सके। तो यार आप सोच ही सकते हैं यार ये कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो गाइस इसीलिए हमने म्यूटू को कांटो रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन रखा है। अरे ये पोकेमोन रॉय कहाँ मर गया, मैं उसको ढूंढ के आती हूँ। तो यार जो अपने जोटो रीजन का सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, उस पोकेमोन का नाम हो है। तो यार मुझे नहीं लगता यार हो को इतने बड़े ब्रीफ इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यार हो पोकेमोन को तो यार हम सभी लोग जानते हैं, और अगर आपको नहीं पता कि हो पोकेमोन कौन सा है तो यार भाई आप कौन सी जिंदगी में जी रहे हो। तो यार इसकी सबसे मेन और सबसे बढ़िया जो मेरे को ताकत लगती है, जो इसकी एबिलिटी है, वो है रीजेनरेट करना अपनी पावर को। मतलब क्या, सामने वाला बंदा अगर इसको मार भी दे तो यार ये अपनी पावर को रीजेनरेट कर सकता है और जिंदा हो सकता है, अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं। और यार एश ने भी सबसे पहले हो पोकेमोन को देख के ये विश मांगी थी कि यार उसकी जर्नी कभी खत्म ना हो। और यार एक और चीज, अगर ये किसी के साथ भी लड़ता है और अगर कोई पोकेमोन को हराता है तो यार ये रीजेनरेट होके वापस से अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकता है और उससे कभी हार ही नहीं सकता। और बाकी तो यार तुमको खुद ही पता है कि हो कितना कमाल का पोकेमोन है, और जोटो रीजन के अंदर तो यार यही है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लगता है ये नल्ला वाला पो मर गया, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं होयन रीजन की ओर। सो गाइस जो होयन रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन है वो है रेकवाजा। सो गाइस रेकवाजा का यार मेन मोटिव ये है कि उसे यार हमारी धरती पर शांति बनाए रखनी है। और गाइस आप इसके स्टेट्स देख सकते हैं गाइस 680 के। सो गाइस एक डुअल टाइप का पोकेमोन, मतलब एक ड्रैगन टाइप तो है ही, मतलब ड्रैगन टाइप तो आपको पता ही होगा यार कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब एकदम बॉस टाइप के होते हैं। और ड्रैगन टाइप के अलावा एक फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन भी है, और यार काफ़ी लंबा पोकेमोन, मतलब यार थोड़ा सांप जैसा लुक है इसका, ग्रीन कलर का दिखता है, मस्त लगता है मेरे को यार, मेरा फेवरेट लेजेंडरी पोकेमोन है। और गाइस पोकेमोन का मेन मोटिव है कि यार ये ग्राउडन और कियोग्रे, मतलब माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगर अच्छे से प्रोनाउन नहीं कर रहा हूँ, तो इन दोनों की यार ये लड़ाई रुकवाना चाहता है, मतलब लड़ाई रुकवाने के लिए ये बना था। और गाइस ऐसा आरसीएस ने वरदान दिया है कि ये खुद ही मेगा इवॉल्व हो सकता है, मतलब इसे यार किसी मेगा स्टोन की ज़रूरत नहीं है मेगा इवॉल्व होने के लिए, ये जब चाहे तब मेगा इवॉल्व हो सकता है बैटल के लिए। तो गाइस इसीलिए हमने होयन रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन रखा है रेकवाजा को। तो यार जो सिनर रीजन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, उस पोकेमोन का नाम जीराटीना पोकेमोन है। तो यार इसको पोकेमोन यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पोकेमोन भी बोला जाता है, मतलब कि सबसे मोटा पोकेमोन। तो यार अपनी स्क्रीन पे आप खुद ही देख सकते हो यार इसकी एचपी 150 है, और इसकी मैक्सिमम एचपी है 504, अटैक इसका 184 मिनिमम है और 328 मैक्सिमम है। तो यार तुम लोग खुद ही देख सकते हो यार जीराटीना कितना पावरफुल पोकेमोन है, अगर हम ऐसी कंपैरिजन करें अटैक और डिफेंस इन सारी चीजों में। और यार ये चीज तो तुम सभी को पता है कि यार जीराटीना अभी फिलहाल तो डिस्टॉर्शन ऑफ वर्ल्ड में रह रहा है,
के अंदर आर्शियस ने उसको कैद करके रखा है। एंड ऑल्सो यार जिरेटिना वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पोकेमोन भी है। और इसकी एक और एबिलिटी है कि यार इसका एक ओरिजिन फॉर्म भी होता है जिसके अंदर इसके जितने भी पैर या फिर हम पंख कह सकते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए यार सिनो का सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट पोकेमोन जो है उस पोकेमोन का नाम है जिरेटिना। सो गाइस अब हम बात करते हैं यूनोवा रीजन के बारे में। सो गाइस यूनोवा रीजन में दो स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन है, एक है जैकरोम और एक है रेशिरोम। पर गाइस इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है जैकरोम, क्योंकि गाइस जैकरोम एक ड्रैगन टाइप होने के अलावा एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन भी है और यार रेशिरोम एक ड्रैगन टाइप होने के अलावा एक फायर टाइप भी है। तो यार इलेक्ट्रिक टाइप मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ताकतवर होता है एक फायर टाइप पोकेमोन के सामने। तो गाइस आप जैकरोम के स्टेट्स देख सकते हैं, गाइस 680 के हैं और भाई इसका लुक भी बहुत धांसू लगता है एकदम, यार इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन का राजा लगता है एकदम। तो यार इसलिए हमने जैकरोम को स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन रखा है यूनोवा रीजन का। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं कालोस रीजन की ओर। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं कालोस रीजन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के बारे में। तो यार जो कालोस रीजन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है उस पोकेमोन का नाम है जाइगार्ड। तो हाँ यार तुम लोगों ने सही समझा, वही हरा सांप जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वही है जाइगार्ड। तो बेसिकली यार ये पोकेमोन ड्रैगन और ग्राउंड टाइप पोकेमोन है और इस पोकेमोन की मैक्सिमम एचपी 420 है गाइस। तो बेसिकली यार इस पोकेमोन की अलग अलग फॉर्म्स होती है, मतलब कि यार बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स होती है। जब 10% फॉर्म होता है जाइगार्ड तब अलग होती है, जब फुल फॉर्म हो जाता है तब वो दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। कुछ फॉर्म तो ऐसी भी है जिसके अंदर वो सांप बना हुआ है, एक सांप का फॉर्म तो उसका है जिसके अंदर उसके कलर ब्लैक और ग्रीन है और दूसरे सांप के फॉर्म में इसका कलर व्हाइट और ग्रीन है। उसकी कुछ एबिलिटीज मैं आपको बता देता हूँ यार, ये पावर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। हाँ गाइस ये पावर कंस्ट्रक्ट कर सकता है और ऑरा जो होता है मतलब कि एनर्जी जो होता है ये एनर्जी को भी ब्रेक कर सकता है। और अगर आप लोगों ने पोकेमोन एक्स वाई जी देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि यार इतने सारे लोगों ने इसको घेर के खड़ा हुआ था, फर्स्ट एपिसोड की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर यार जाइगार्ड पानी के अंदर से निकला था या नहीं तो यार कहां से निकला था मैंने नोटिस नहीं किया, तो वहां से निकल के वो इतनी आसानी से उनको इतनी खतरनाक तरीके से मारता है। तो यार तभी से यार मैं तो उस पोकेमोन से बहुत डर गया और मुझे उसकी पावर का अंदाजा भी हो गया। और यार इसलिए जाइगार्ड हमारे कालोस रीजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन। सो गाइस हमने अलोला रीजन को यार इस लिस्ट में नहीं लिया है। सो गाइस हमारे हिसाब से तो यार अलोला रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन है नेक्रोज्मा। सो गाइस आप अपनी चॉइस भी बता सकते हैं कि यार अलोला रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन कौन सा है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में यार, जब तक के लिए अलविदा।